दोस्तों, जायका वितनजा में आपका स्वागत है। आज मैं लाई हूँ आपके लिए कोकोनट बर्फी। कोकोनट बर्फी कहें या कोकोनट रोल, दोनों बात एक ही है। ये खाने में बहुत यम्मी है और बनाने में ही उतना आसान। ये फटाफट बनने वाली स्वीट्स है। आप चाहो तो इसको गैस पे भी बना सकते हो या बिना गैस के। हमें इन सब सामान को हम बिना गैस के भी मिक्स करके बना सकते हैं, लेकिन आज मैं गैस जला के ही इस बर्फी को बना रही हूँ। ये बहुत फटाफट बनने वाली डिश है और बहुत कम सामान से बन जाती है। आप इसको दिवाली के टाइम, गणपति के टाइम, जिस टाइम इसको बनाकर खा सकते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले 1.5 कटोरी मिल्क पाउडर लिया है और 1.5 कटोरी ही कोकोनट पाउडर लिया है। 1/2 कटोरी मैं दूध लूँगी और 1/2 कटोरी चीनी लूँगी। और उसके बाद मैंने थोड़े से रोज पेटल्स और पिस्ता लिए हैं। अब मैं कढ़ाई में अपना 1/2 कटोरी दूध और 1/2 कटोरी जो चीनी लिया है उन दोनों को डाल के मैं तब तक मिक्स करूँगी जब तक हमारी चीनी घुल जाए। और अगर आप पिसी हुई चीनी ले रहे हो तो फटाफट घुल जाएगी। यहाँ मैंने बिना पिसी हुई चीनी ली है, इसलिए इसे थोड़ी देर तक मैं गैस मैंने हल्की मीडियम आंच पर रखी हुई है और इनको मैं चलाऊंगी। जब इसमें चीनी मिल जाएगी तब हम इसमें अपना कोकोनट पाउडर और मिल्क पाउडर डालेंगे। ये बहुत कम सामान से और बहुत यम्मी बनने वाली डिश है। अब यहाँ आप देखिए, हमने अपना सारा कोकोनट पाउडर डाल दिया है। अब कोकोनट पाउडर को मैं थोड़ी देर चलाऊंगी। देखिए दूध बिल्कुल सूख गया है। कोकोनट पाउडर डालते ही वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है दूध। और अब हम इसमें मिल्क पाउडर डाल रहे हैं। मिल्क पाउडर पहले आपको शुरू में ड्राई लगेगा, लेकिन 1 मिनट के बाद ही वो उसमें मिल जाएगा। पहले ये थोड़ा सा पतला होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे ये गाढ़ा होने लगेगा। जैसे ही ये बैटर गाढ़ा होता जाएगा और वो कढ़ाई छोड़ने लगेगा। अब आप देखिए थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा है। ये थोड़ी सी देर में, 3 से 4 मिनट में ये गाढ़ा हो जाएगा और कढ़ाई छोड़ने लगेगा। जैसे ये कढ़ाई छोड़ने लगेगा तब हम गैस बंद कर देंगे और उसके बाद भी थोड़ी देर चलाते रहेंगे। और हमें इसको पूरी तरह से ठंडा करना है। चाहे आप ठंडे करने के लिए फ्रिज में भी रख सकते हो या बाहर भी छोड़ सकते हो। अभी आप देखिए ये ठंडा हो गया है। इन्हें मैं 2 बराबर भागों में बांट लूँगी। 1 भाग में हमें कलर मिलाना है। आपके पास जो भी कलर है आप वो डाल सकते हो। मेरे पास ऑरेंज कलर है, मैं वो डाल रही हूँ। इसमें कोई भी नहीं है कि आपको ऑरेंज ही डालना है। आप ग्रीन डाल सकते हो, रेड डाल सकते हो, जो आपके पास कलर है। और इसमें हमें जब तक ऑरेंज कलर नहीं है तब तक हम थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे, एक साथ बहुत सारा नहीं डालेंगे, नहीं तो वो बहुत अलग तेज़ कलर आ जाएगा। अब ये बिल्कुल पूरी तरह से ठंडा हो गया है। मैंने इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में भी रख दिया था। और देसी घी का हाथ लगा के मैं इसको बटर पेपर या फॉइल पेपर पे आप इस तरह से फैला लीजिए। बस आप एक चीज़ ध्यान रखना, बटर पेपर हो चाहे फॉइल पेपर हो, उसमें नीचे भी हमें घी ज़रूर लगाना है। और बेलन पे भी हल्का सा घी लगा के हम इसको बेल लेंगे। अगर हम बेलन पे घी नहीं लगाएंगे तो ये चिपकेगा। इन सब चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब इसके बाद मैं ये ऑरेंज वाला भी इसी तरह से बेल लूँगी। मैंने दोनों पे पहले घी लगा लिया था और इसको बड़ा बड़ा बेल लिया। और बाइट के ऊपर हमें ऑरेंज वाला हिस्सा रखना है और ये आराम से हमारा हट जाएगा। अब धीरे धीरे से हमें इसको फोल्ड करते रहना है। अब आप देखिए मैं धीरे धीरे से फोल्ड भी करती रहूँगी और अपना बटर पेपर भी हटाती रहूँगी। नहीं, अगर हम बटर पेपर के साथ इसको एकदम कर देंगे तो बटर पेपर इसके साथ रोल हो जाएगा। हमें बटर पेपर को बार बार हटाते भी रहना है। हमें रोल करते वक्त ही बस थोड़ा ध्यान देना है कि हमारा रोल सही से हो जाए। अब मैं इसके अंदर जो मेरे पिस्ता और रोज पेटल्स रखे हुए थे मैं वो डाल दूंगी। इससे बहुत सुंदर कलर आता है। ये देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप इस समय और भी चाहो तो बादाम, काजू, जो चाहे मेवा डाल सकते हो, लेकिन ये ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं इनको डाल रही हूँ। हमें इनको डालने के बाद फिर इस रोल को घुमाना है बटर पेपर की सहायता से, जिससे कि ये चारों तरफ इसमें अच्छे से ये लग जाए, रोज पेटल्स और पिस्ता। जब इनमें सब अच्छे से चिपक जाएगा
तब मैं इसका एक फिर दोबारा से रोल करके इसमें फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख दूंगी। मैं फ्रिज में रखने के बाद ये 1 घंटे के बाद एक अच्छा सा जम जाएगा। आप देखिए ये 1 घंटे के बाद ये पूरी तरह से जम चुका है। अब मैं इनको गोल गोल करके काट लूँगी। इसे काटना कोई मुश्किल नहीं है, ये फटाफट कट जाता है। बस लेकिन आप ये ध्यान रखना, जब ये मिठाई बन जाती है तो हमें इसे फ्रिज में ही रखनी चाहिए। फ्रिज में हम रखेंगे तब ये सही रहेगी, नहीं तो ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाती है और फ्रिज में रख के खाने में टेस्ट इसका ठंडा ठंडा बहुत अच्छा आता है। हमारे कोकोनट रोल्स बनके तैयार हैं, आप इन्हें खाइए, बनाइए और इन्जॉय करिए। और मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।